हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली शक्ति ब्लॉग। तो कैसे हो गाइज आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम तो रहते नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है करवा चौथ, पर मेरी मम्मी रहती है, मतलब मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ नहीं रहती, मेरी मम्मी रहती हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वहीं शूट होगा और सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है और सारी चीज़ें। तो और हम तो निकलने वाले हैं घर के लिए। तो भाई मैं भी करवा चौथ मेरी होने वाली बीवी के लिए। देखो भाई, ये ऐसा होना चाहिए पति ना, पहले से ही ये करवा चौथ का व्रत। नाश्ते में क्या बना? नाश्ते में क्या है मामा? चाहिए बताओ मिस ड्रामा। तो भाई ये ऐसा व्रत है कि इसको नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, तो ये वाला व्रत है इसका आज। मगर नहीं, बहुत अच्छा व्रत होता है भाई, सब लोग बड़े मन से करते हैं। मेरा मन था रहने का और मेरे पति देव ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं रहना है, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि उठा सकते हो आप, मेरे घर से आके उठा सकते हो, कह रह सकते हो। तो इन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मत रहो, बाद में रहना। तो बस इसीलिए ये सोच के रहा कि ठीक है अगले साल रहेंगे अब। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको घर में, अब जा कर के देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के तरफ और यहाँ पे बैठी है हमारी अम्मा जी मेहंदी लगा करके, और यहाँ बैठी है ये लोग। हेलो गाइस, बस हो गया मेरा, हाँ बस इतना ही आता है इसको। तो अब मम्मी बताएंगी कि क्या क्या बनना है। तो बनाए, कढ़ी बननी है, हाँ चावल बनना है, हाँ सब्जी बननी है, हाँ रोटी बनना है, हाँ रायता बन जाए, हाँ बना लेना, पूड़ी बननी है, मीठा चावल बनना है, फरा बनेगा। तो गाइस इतना आइटम बनाना है, तो चलिए लग जाइए बनाने के लिए। वो देखो चुन्नू पुन्नू हो रहा है। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने पनीर की, और खाऊंगी उसके बाद कुछ बनाऊंगी, समझियो। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये बन रहा है सब्जी, सब्जी आलू कद्दू, ये टमाटर काटो, काटो दाल बनाने के लिए कही हो, टमाटर दाल बनाओगे? हाँ मसालेदार चटक एकदम चटा चटा। दाल भीगी हुई है, छोटे वाले कुकर में बना ले। अपन कड़ी में अभी हमने झोल लगाया है, अब जो है थोड़ी देर में बॉईल होने लग जाएगा। और ये पकौड़ियाँ बना के रखी हैं इधर, फरे के लिए दाल बना के रखी है इधर, एक सब्जी बना ली है, तो काटे पीटे में लगी है। मेहनती लड़की आटा सानते हुए, गजब गजब, सान सान भाई सान, अच्छे से सान। लो 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 दो मैक्सी पहन के रहोगे जब घर में, तो आदमी क्या तुमको जींस टॉप में दिखाएगा क्या? हाँ बताओ जरा सा, शर्म नहीं आती है? अब दरवाजा कैसे खोले हम? हाँ बताओ जरा, बहुत दुष्ट लड़कियां बच्चे सब हमारे यहाँ के। आइए महारानी चाहिए किचन में, आइए महारानी चाहिए किचन में, बताओ जरा हम सब उठा लेंगे तो कैसे आएंगे भाई लेकर के? ये भाई हमारा फरा के लिए पानी चढ़ा हुआ है, कड़ी यहाँ पे खोल रही है,
और ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट फरा तैयार होने वाला है। हाँ तो गाइस दूसरा फरा बनने जा रहा है अब, लहसुन वाला। लो भैया लहसुन वाला फरा, वो बिना लहसुन वाला था और ये लहसुन वाला बनेगा। हमारे बाप पकलाए गए हैं भाव पिताजी। हाँ जब से मैं आई हूँ 2 घंटा से ऊपर हो गया, 3 घंटा से ऊपर होगा, मोबाइल तो छूटा नहीं भाई, और चश्मा लगाए कि और ज्यादा नक्शा मार रहे हैं सब। इनका क्या कहेंगे, तो बच्चे का क्या कहेंगे, सब वही सही है। मम्मी बेचारी काम कर रही है हमारी, करो करो भैया करो। नमस्कार, आज की मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है कि करवा चौथ की खुशी में बीबियों ने रखा पति के लिए व्रत, मगर चांद निकल आया जल्दी, जिससे पति हैरान अब बीवी परेशान, सॉरी बीवी परेशान और पति हैरान हो चुके हैं। इतनी जल्दी बिना जलाए चांद कैसे निकल सकता है प्रयागराज में। ये लोग जो शादीशुदा भी नहीं है, 16-16 साल के निब्बे हैं, इनकी भी बीबिया इनके लिए व्रत रख रही है। ऐसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे ये 1 घंटा लेट आया है। बताओ कहाँ थे तुम? लाइब्रेरी में था, आज तो बात नहीं। लाइब्रेरी? कौन सी लाइब्रेरी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है लड़का? ये लड़का कहाँ से आपको लगता है पढ़ने वाला? देखिए बेटे कितने सब्जेक्ट है आपके? 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? फिजिकल, इकोनॉमिक्स। फिजिकल के कितने चैप्टर है? 7-8 होंगे। 7-8 चैप्टर है। बुक निकालिए अभी, पकड़ेंगे 2 मिनट में। डेली जाते हैं 7 से 11 लाइब्रेरी, और इनको चैप्टर ही नहीं पता कितना है। ये हो रहा है देश का विकास। और एक ये है यूट्यूबर, सुना लीजिए। नो कमेंट, जब से आए हैं ये सो ही रही हैं। ये हैं इनकी पति जो कि फोन में बिजी हैं, क्योंकि ये हैरान है। ये है दादी, इनका व्रत था, और यहाँ से पता चल रहा है कि किस तरीके से इन्होंने व्रत रखा। क्या कहना चाहेंगी आप, कैसा था आपका व्रत? चांद जल्दी निकल आया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? चांद निकलने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जलाया नहीं चांद ने? जलाया नहीं आज चांद ने? अभी कहाँ निकला? चांद निकल आया है इनका, चांद अभी आना बाकी है। इनके कहने का मतलब अपने चांद से था, हमारे कहने का, हमारे तो कोई चांद ही नहीं है। अफसोस, कोई बात नहीं, मैं खुद का चांद हूँ, अपनी शक्ल देख के अपना व्रत तोड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे होती है करवा चौथ की पूजा, यह इस ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। है हमारी अंशिका पोसलाना, हेलो। ये बेचारी खाना बनाने में ही व्यस्त है। अंशिका व्रत तोड़ी? और ये तेल डाल दिया गया है दिए में, अभी थोड़ी देर में पूजा होने वाली है आरंभ, क्योंकि आरंभ है प्रचंड। बने रहिए। गाइस थाली में खाना निकल गया है, ये देखिए। अंशिका कुछ बचा है? नहीं। हो गया पूरा? ओके ओके। इतनी कुछ बना है, इतना कुछ। ये गधा गया था दवा लेने, देख मैंने इतना खाना बनाया। मीठा भी है? सब है सब है सब है। जाने वाला है, हम तो खाएंगे, करवा चौथ वाले देखेंगे। नहीं, व्रत वाले भी खाते हैं। हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है चांद। ओह यहाँ तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हम और ऊपर जाएंगे और ऊपर। और यहाँ पर है ताई जी, ताऊ जी, चांद अपने चांद के साथ चांद देखने आए हैं। यहाँ से हमें दिखेगा चांद, और वो रहा चंदा मामा। यहाँ से चांद देखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, मगर हमें दिख गया, कैमरे में कैद हो गया। और अब फास्ट तोड़ा जा रहा है, चुना दी सीख लो। क्योंकि ये तीसरा तल्ला है तो चढ़ने में सांस फूल जाती है हम लोग की। दूसरा ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड, हाँ। और ये छन्नी उठा ली गई है इसी के साथ पहले, और ये धमाके हो रहे हैं, इसका मतलब चांद दिख गया है। और यहाँ बल्फ ताऊ जी लगाए हैं, क्योंकि चांद को चांद देखने में दिक्कत ना हो। और कितनी जद्दोजहद करते हुए ताई जी ने चांद को देखा, और अब अपने चांद को देखने जा रही, मैं नीचे छुप जाऊँ। और ये अपने चांद को देखा गया, इसी के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग, भैया मेरे, नहीं सॉरी
अरे कुछ गाना बताया चांद वाला, तू मेरा दिल तू मेरा चांद ओ मेरे प्यारे हब्बी। ये देखिए कितनी मुस्कुराहट है, कितनी जद्दोजहद हुई है, उठाया इस तरीके से गया है इसको, जी उसको पकड़ लीजिए। आज चांद में भी अलग निखार है। और ये पानी का ग्लास उठा लिया गया है। कहा जाता है कि इसको एक बार में पिया जाता है जितना पी सके, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलता एक सांस में, ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा वो उसमें होता है, चीजा में होता है भाई, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी खड़ा हुआ मेरी चांद मेरी पूजा करे दिन भर जूतों से रात को झाड़ू से। और ये देखिए ये चक्कर लगाया जा रहा है, ये क्यों किया जाता है, अलग दिया जा रहा है चंदा मामा, क्यों कितनी शिद्दत से इंडिया की जो वीमेंस होती हैं वो दिन भर व्रत रहती है और शाम को जो है व्रत तोड़ती हैं अपने पति के हाथों। पति जहाँ भी हो इस दिन उनको रहना होता है। हमारे ताऊ जी भी कम से कम 120 किलोमीटर दूर रहते हैं, मगर आज के दिन वो आए, आज संडे भी पड़ गया तो ये प्लस पॉइंट हो गया उनके लिए। और एक अलग सा निखार, थू 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 नजर ना लगे मेरे ताऊ जी को। ताई जी में भी अलग निखार चल रहा है। अब नीचे टीका काटा जाएगा और ये पूजा यहीं समाप्त होती है। अब जो है थोड़ा डांस गाना खेलना कूदना और फिर भोजना देना, उसके बाद हो गया बेटा तोड़ दिया व्रत उसने। ये एनीमे देखा जा रहा है। अब हम जा रहे हैं नीचे। पापा दिखे ही नहीं अंधेरे में आपको, धोबी घाट पहुंचा देंगे भैया, धोबी घाट। भैया लगाएं ठेपी अपन, तो उनका सुना ना देगा क्या बोल रही हो। तो खाली है भरा है। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने घर और जा रहे हैं आप सोने के लिए। बहुत तेज नींद लगी हुई है, एकदम थकान हो गई है आज। ये देखिए मेरा बच्चा जो है मुझे पहचान कर रहा है। क्या चाहिए? ट्रीटी चाहिए। मम्मा घर आई नहीं, ट्रीटी चाहिए, ट्रीटी दो। गए थे हमको छोड़ करके, ये कहने का मतलब है इनका। क्या हुआ मैं स्नोई? ट्रीटी? अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे पैर पे लगड़ के बताता है कि हमको ट्रीटी चाहिए, अब दे दो। ये देखो ये देखो ये देखो भाई ये देखो। हाँ ट्रीटी चाहिए, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं अपने बेटे को ट्रीटी। ठीक है चलो चलो दे रहे हैं हम। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।